सैनिकों की जिन्होंने अपना सब कुछ देश पर न्योछावर कर दिया। ये स्मरण है हिंद के शूरवीरों के उन साहसिक आंदोलनों का जिनके अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम से अंग्रेजों को पराजित कर भारत मां को आजादी दिलाई। परतंत्र भारत में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा था, बगावती तेवर थे और हर आंख में बस रहा था आजादी का सपना। इसी सपने को सच करने की शुरुआत थी 1857 की क्रांति। आजादी की इस पहली क्रांति में मंगल पांडे, वीर कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जैसे शूरवीरों ने अपनी वीरता से अंग्रेजों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। राष्ट्र निर्माण की भावना और सबको संगठित करने के लक्ष्य के साथ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। आगे चलकर आजादी की लड़ाई में ये मील का पत्थर साबित हुआ। 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशक में ब्रिटिश हुकूमत ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत बंगाल का विभाजन कर दिया। इसने आग में घी का काम किया। त्रिमूर्ति, लाल बाल पाल की रणनीति ने स्वतंत्रता संघर्ष में नई जान फूंक दी। 1915 में महात्मा गांधी के भारत आगमन से स्वतंत्रता संघर्ष को नई स्फूर्ति मिली। समय के साथ एक तरफ क्रांतिकारी गतिविधियां तेज हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के अनुपम प्रयोग से ब्रिटिश शासन को स्तब्ध कर दिया। नील की खेती करने वाले किसानों को अंग्रेजों के मन माफिक शोषण से बचाने के लिए किए गए चंपारण सत्याग्रह ने स्वाधीनता आंदोलन को नई दिशा दी। पहली बार आजादी की लड़ाई ने अहिंसा और सत्याग्रह की ताकत को नजदीक से देखा और महसूस किया। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार ने भारतीयों को आक्रोशित कर दिया। लोगों में गुस्सा और विरोध बढ़ने लगा। यहीं से शुरुआत हुई असहयोग आंदोलन की, जिससे स्वदेशी की मांग जोर पकड़ने लगी और बढ़ने लगी अंग्रेजों की मुश्किलें। आजादी की लड़ाई को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी दूरदर्शिता से गति प्रदान की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की संगठन क्षमता और समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने की रणनीति ने स्वाधीनता आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इसके अगले वर्ष ही गांधी जी ने नमक पर लगे कर के विरोध में दांडी मार्च किया। उन्होंने नमक कानून तोड़ते हुए कहा कि इसके साथ मैं ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला रहा हूं। धीरे धीरे ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिलने लगी। हिंद के नायकों का पराक्रम जारी था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त और अश्फाकुल्ला खान जैसे क्रांतिकारियों ने अपने अदम्य साहस और शहादत से युवा पीढ़ी को प्रेरित किया और अंग्रेजी हुक्मरानों के खिलाफ जनता को एकजुट किया। 1942-43 का समय, एक तरफ सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ब्रिटिश शासन की मुश्किलें बढ़ा रही थी। फौज बनकर रहना है, दुख दर्द से बसना, सुभाष का कहना कहना है, चलो दिल्ली चल के रहना। तो वहीं देश में शुरू हो गया था भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो के जज्बे से भरे इस आंदोलन में पूरे देश की भागीदारी रही। इस आंदोलन के बाद ही अंग्रेजी हुकूमत को एहसास हो गया था कि अब भारत को गुलाम बनाए रखना नामुमकिन है। आजादी की लड़ाई में राष्ट्रवादी कवि, लेखक, इतिहासकार और स्वतंत्रता संघर्ष के महानायक विनायक दामोदर सावरकर की भूमिका अतुलनीय रही।
उन्होंने अपनी रचनात्मक सोच, अपने लेखन और विचारों से जनमानस को संगठित कर मातृभूमि के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए प्रेरित किया। बड़े आंदोलनों ने जहां स्वतंत्रता संघर्ष को मजबूती प्रदान की, वहीं क्षेत्रीय आंदोलन भी आजादी के लक्ष्य तक पहुंचने में मील का पत्थर साबित हुए। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा क्रांति, रानी गाइदिनल्यू के मार्गदर्शन में नागा आंदोलन, या फिर वीरता और दृढ़ संकल्प की प्रतिमूर्ति रानी चिन्नम्मा का कित्तूर संघर्ष, ऐसी ही अनगिनत गाथाओं और आंदोलनों का गौरवपूर्ण परिणाम है 15 अगस्त 1947। भारत आजाद हुआ और स्वतंत्र भारत में शान के साथ लहराया हमारा तिरंगा। Myself wondering, what had happened to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.